नमस्कार प्रणाम, मैं योगाचार्य परो आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बदलते हुए वातावरण के साथ में मोटापे की समस्या आज के समय की एक विकृति है और मोटापे को ठीक करने के लिए लोग बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें ट्राई करते हैं। डाइट का पालन करते हैं, कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो अलग अलग चीज़ें आजमाते हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं, कुछ को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो आज एक ऐसी ही चीज़ खाने की आपके साथ में शेयर करूंगा, एक रेसिपी दलिया बनाने का एक तरीका मैं बताऊंगा, कौन कौन सी उसमें चीज़ें डालनी है वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये दलिया बहुत ही सुपाच्य है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगा और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अगर आप देखोगे तो इससे प्रोटीन आपको मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा, हेल्दी फैट आपको मिलेगा और साथ में फाइबर आपको मिलेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और बॉडी से फैट को मेल्ट करके बाहर निकालेगा। एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी में जमा होने का सबसे बड़ा कारण होता है एक्सेस क्वांटिटी में हमारा कैलोरीज का इंटेक करना और फिजिकल एक्टिविटीज का बिल्कुल ना करना, व्यायाम ना करना और बहुत ज़्यादा खाना खाना। अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाना खाओगे, कैलोरीज ज़्यादा डालोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो फैट स्टोर होने लगता है। तो ये जो दलिया की रेसिपी है इसको आप पालन करोगे तो इससे आपकी बॉडी में एक्सेस कैलोरीज नहीं जाएंगी। साथ ही इसके फायदे ये हैं कि ये आपकी स्किन की क्वालिटी को सुधारेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, चर्म रोग जिन लोगों को है उनको लिए ये अच्छा है। ये दलिया सभी बीमारियों में ऑलमोस्ट खाया जा सकता है, इतना सुपाच्य और निरापद ये दलिया बताया गया है। अब इसमें चीज़ें दोस्तों कौन कौन सी डालनी है वो जान लें। सबसे पहली चीज़ है गेहूँ, दूसरा है बाजरा, तीसरा है वाइट राइस और चौथा है इसमें मूंग दाल। मूंग दाल जो होगी वो साबुत लेंगे, इन चारों चीज़ों को एक साथ पीस के, मोटा पीस के इनका दलिया बना लेंगे। जो दाल होगी वो छिलके सहित होनी चाहिए और कंप्लीट पूरी दाल होनी चाहिए। इसको 500-500 ग्राम की मात्रा में आप ले लोगे और एक साथ इनको मिला के आप रख लोगे। इसमें दो चीज़ें और ऐड करनी है आपको, पहला है अजवाइन और दूसरा है तिल। 50 ग्राम की मात्रा में आप तिल ऐड कर दोगे और कम से कम 20 ग्राम की मात्रा में इसमें आप अजवाइन ऐड कर दोगे। अजवाइन क्या करेगा, आपके वात दोष को शांत करेगा, शरीर में अगर वात बढ़ा हुआ है तो उसको शांत करेगा। तिल आपको हेल्दी फैट देगा और बॉडी के अंदर ओमेगा 3 की कमी को पूरी करेगा। देखिए होता क्या है कि अगर हमारा आहार ठीक प्रकार का ना हो तो हम कितनी भी कोशिश करते रहें फैट कम नहीं होगा। और ये जो दलिया है इसके अंदर न्यूट्रिशंस इतने अच्छे हैं, सारे के सारे विटामिन्स मिनरल्स आपको मिलेंगे, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरी रहेगी। अक्सर जो लोग डाइट का पालन करते हैं वो दिन के समय में एनर्जी लो फील करते हैं क्योंकि वो जितनी कैलोरीज उनको चाहिए होती हैं उतनी नहीं खा रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बॉडी के अंदर एनर्जी कम हो जाती है, लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बीपी लो होने लगता है, अलग अलग समस्याएं लोगों को देखने को मिलती है। ये दलिया जो है ये बहुत सुपाच्य है, टेस्टी बनता है, इसको 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे आप इसमें वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, गाजर डाल दिए आपने, इसमें टमाटर डाल दिए, प्याज वगैरह डाल के इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना के आप खा सकते हो। ज़्यादा इसको फ्राई करने की आवश्यकता नहीं है और दलिये को कभी भी फ्राई करके नहीं बनाना चाहिए। हल्का इसमें छोंक मार के आप इसको नमकीन दलिया बना के खा सकते हो, आप इसको मीठा दलिया बना के खा सकते हो, दोनों तरीके बेस्ट हैं। जो तरीका आपके हिसाब से आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से इसको खाइए। रेगुलर पहले दिन से आप इसको शुरू करें और 2-3 चीज़ें जो आप विशेष तौर पे फील करोगे, पहली चीज़ तो एनर्जेटिक आप रहोगे, दूसरी चीज़ अक्सर जो लोग डाइटिशियन के पास जाके डाइट का पालन करते हैं या फिर स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करते हैं उन लोगों को खाना खाने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो बस पेट भर रहे होते हैं, उनको जो खा रहे होते हैं वो पसंद नहीं होता। ये दलिया आपको पसंद आएगा, इससे आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी और साथ में इसके फायदे जो शरीर को होंगे, फैट कम करने का, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का, आपके मधुमेह को कम करने का, डायबिटिक प्रॉब्लम है आपको उसको कम करेगा, ब्लड शुगर लेवल मैनेज होने लगेगी, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति भी इस दलिये को कभी कभी खा सकते हैं, इस दलिये को आरोग्य दलिये के नाम से भी बोला जाता है। तो इस रेसिपी को ऐड करें, जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो लोग इसको खाना शुरू करें, आप जनरली भी इस दलिये को कभी भी बना के खा सकते हो। तो आज की वीडियो में यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी चीज़ खाएँ जी, कौन सी चीज़ ना खाएँ, हमें हर चीज़ खाते हैं उसी से फैट बढ़ता है, आप ये खा के देखो इससे आपको फैट नहीं बढ़ेगा। एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाओ, ये तो नहीं है नहीं कि बहुत ज़्यादा आप मात्रा में खा लें, एक लिमिट के अंदर खाएं और रेगुलरली इसका इस्तेमाल करें, सुबह के वक्त खाना इसको सबसे बेस्ट माना गया है। तो आज की वीडियो में यही था, वीडियो कैसा लगा, यूज़ करने के बाद आपका सेल्फ एक्सपीरियंस इसके साथ में कैसा रहा ज़रूर बताएं। वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।